दोस्तों SBI CSP पर जैसे हम APS ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर जो है रोज़ कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम आती ही है, कुछ ना कुछ जो है उसमें दिक्कत हम लोगों को मिलता है कस्टमर को सर्विस देते टाइम। जैसे कि पिछले 4 दिन लगातार हम लोग कस्टमर का किसी कोई भी सर्विस जो है वो कर नहीं पाते थे, ना ही KYC सर्टिफिकेट, ना ही आपका APS विड्रॉल, APS डिपॉजिट, APS रिलेटेड जो भी काम है, क्योंकि वो सर्वर का जो NPCI सर्वर है उसमें अपडेट चल रहा था, उस प्रॉब्लम के वजह से कर नहीं पाया। लेकिन वो अपडेट के बाद जो है हमारे सिस्टम पर और एक काम बढ़ गया है, जिसके वजह से आज जो है कस्टमर को अगर मैं सर्विस देने जाता हूँ तो उसमें मेरे को जहाँ पे मैंने पहले कस्टमर का APS ट्रांजेक्शन करते टाइम मेरे को अगर 3 मिनट लगते थे, वहाँ पे अभी के टाइम पर वहाँ पे 3.5 मिनट लग रहा है। अगर पहले 2 मिनट लगता था, अभी जो है यहाँ पे 2.5 मिनट लग रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो दिक्कतें हैं, ये सब जो है दिन बर दिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ चेंज नहीं मिल रहा है, सिर्फ जो है दिक्कत है वो ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए आपको भी पता होगा कि ये जो प्रॉब्लम है 2 दिन से आ रहा है APS पर नया प्रॉब्लम। अगर हम APS जो सर्विस करने जाते हैं, जैसे APS ट्रांजेक्शन पर जाते हैं, मान लीजिए कोई भी बैंक हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब हम लोग जहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालते हैं कस्टमर का या तो किसी का, तो वहाँ पे पहले क्या होता था, जैसे आधार कार्ड का आपका मान लीजिए 12 डिजिट का एक साथ में नंबर होता है, ऐसा 4 4 4 करके, और जैसे हमने एक साथ इनपुट करता था, ऐसे टाइप करते जाता था 1 2 3 4 5 जो भी जाते, तो एक बॉक्स फुल होने के बाद दूसरे बॉक्स पर ऑटोमेटिक आ जाता था, तीसरे बॉक्स पर भी ऑटोमेटिक आ जाता था। लेकिन अभी जो है आपको इसमें पहले क्या होता था, सिर्फ 10 सेकंड लगता था, अभी आपको यहाँ पे 20-30 सेकंड लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर 4 डिजिट हम डालते हैं आधार कार्ड का, मान लीजिए कुछ भी डाल रहे हैं, तो उसके बाद में आगे नहीं जाता, तो आपको क्या करना पड़ता है, टैप करना पड़ता है, या तो ये आपका माउस का कर्सर है इसको क्लिक करके नेक्स्ट का जो 4 आधार कार्ड का डिजिट है वो डालना पड़ता है, एंड तीसरी बार भी ऐसा करके डालना पड़ता है। तो ये जो ये सब जो प्रॉब्लम है ये हम लोगों को देखने के मिल रहा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर ऊपर तक ये वीडियो जाते हैं तो आप लोग भी देखिए कि यहाँ पे ये जो सर्विस है ये हम कर नहीं पा रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। सर्विस तो हम कर पा रहे हैं लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले तो इस थोड़ा अच्छा था कि हम लोग एक ही साथ में अगर टाइप करते थे तो एक ही बार में 3 बॉक्स फिलअप हो जाता था, लेकिन अभी जो है 3 बॉक्स फिलअप नहीं होता है, उसके लिए हम लोग को टैप डालना पड़ता है, टैप बटन पर क्लिक करना पड़ता है कीबोर्ड के, या नहीं तो माउस को ऐसे घुमा के कर्जर को ले जाकर करना पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम ऊपर तक पहुंचाने के लिए, ऊपर तक ये जो प्रॉब्लम है दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वैसे तो हम सब CSP को पता है कि यह प्रॉब्लम आ रहा है, जो CSP APS वर्क करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको पता नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि ये हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके उतना हमारे सर्वर को फास्ट कर दे, हमारे सर्वर को ठीक कर दे, और जो भी सर्विसेज बंद पड़ा हुआ है हमारे यहाँ पे तो सब जो है चालू कर दे, तो हम कस्टमर को अच्छे से सर्विस दे पाएंगे। तो ये इस वीडियो में यही था। तो अगले वीडियो में और भी नया अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे। तो जो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह SBI CSP रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।